आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक से, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले दो लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और आपको याद होगा अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से कि हमें रिलेशन दिया था लास्ट लेक्चर में कि फाई यू वी इक्वल टू जीरो और डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना था। तो जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था तो आपको जो सोल्यूशन मिला था इसका, यानी जो इक्वेशन मिली थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। लास्ट लेक्चर में देखिए, लास्ट वीडियो में देखिए, इस तरीके से ऑप्टेन हुआ था। और हमने एक बात कही भी थी आपसे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप ये बना रहे हैं इसी को आगे सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो अभी तो आपको इधर से ये, यानी कहने का मतलब है फाई यूवी से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन हुई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से अब सोल्यूशन निकालना होगा। तो नंबर एक ये पढ़ा था, आज नंबर टू कह सकते हैं, यानी कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अब हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यानी इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझना है। तो इसको लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। पी समझते हैं, पी का मतलब आपको शुरू में ही बता दिया गया था, डेल बाई डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू का मतलब है डेल जेड बाई डेल वाई, जहां पर जेड जो है वो फंक्शन है। जेड किसका फंक्शन लिया गया है, एक्स वाई का, ठीक। तो पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर जो कैपिटल में है, आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज कॉल्ड लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन, ठीक। इसको हम एक लीनियर इक्वेशन या लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो वही जिक्र उन्होंने यहां पर किया है कि इन चैप्टर सिक्स वी हैव सीन दैट बाय इलिमिनेशन ऑफ फाइव, एक्चुअली चैप्टर सिक्स यही चल रहा है, इसके पहले आर्टिकल में आपने देखा है, फ्रॉम फाइव यू वी इक्वल टू जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर इज ऑप्टेन, जिसका जिक्र अभी हमने स्टार्टिंग में ही किया था आपसे कि हमें इस फंक्शन में UV को इलिमिनेट करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन करते हैं जो कि PP plus QQ is equal to R की होती है। Hence, if we are given a differential equation of the form, यानी कि अगर कोई differential equation, equation number one के form की दी हुई है, then its solution will be of the form, तब इसका solution इस form का हो जाएगा phi UV equal to zero. This is called the general solution. This is called the general solution of one. We are to find simply the values of u and v. यानी हमें simply u और v निकालना है और phi u v equal to zero करके लिख देना होगा। अभी कैसे निकालेंगे, क्या इसकी working है, क्या method है कि जो Lagrange's equation है, ये linear partial differential equation of first order है, उसको कैसे solve करेंगे हम लोग। तो working rule for solving problems by Lagrange's method. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन को PP plus QQ is equal to R के फॉर्म में रखेंगे। स्टेप नंबर वन, पुट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म PP plus QQ is equal to R, सबसे पहला काम ये करेंगे आप। दूसरे नंबर पे राइट डाउन लैग्रेंजेस एक्सिलरी और सब्सिडरी, इनको सहायक इक्वेशन भी हिंदी में कह सकते हैं, जो सहायक होती है, एक्सिलरी और सब्सिडरी इक्वेशन फॉर वन एज बिलो। ये जो एज बिलो लिखा ये आपको लर्न करना पड़ेगा, dx upon p इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ये आप समझ गए होंगे पी कहाँ से लाएंगे, ये कैपिटल पी है, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में आपको लिखा है एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो कैपिटल पी की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल पी का कोफिशियंट होगा एक्स स्क्वायर, अगर हम क्यू की बात करें तो स्मॉल क्यू का कोफिशियंट होगा वाई जेड, और अगर हम आर की बात करें तो ये राइट साइड में जो लिखा होगा इन इक्वल के जो बाद लिखा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पी क्यू आर को कैसे निकाला जाता है। अब पी क्यू आर निकाल करके आप इक्वेशन नंबर टू में सब्सटीट्यूट कर देंगे, स्टेप नंबर टू होगा। अब हमें ये जो इक्वेशन नंबर टू में रिलेशन मिला है, तीन रेशियो आर है ये, तो ये पेयर वाइज लेकर, जैसे पहले दो ले लिए, लास्ट के दो ले लिए, दो सोल्यूशंस निकाल लिए होंगे, उन्हीं सोल्यूशंस को हम लोग यू और वी कहते हैं, या फर्स्ट लास्ट ले लिया, या जो पहले सोल्यूशन
पेयर से निकला, उसको लास्ट के दो पेयर के साथ यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमारे मेथड यहाँ पर चार बन जाएंगे। कैसे, अभी एक एक करके देखते हैं। स्टेप नंबर तीन में क्या है, सॉल्व टू बाई यूजिंग द मेथड्स एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर्स ऑफ बीएससी वन फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी यहाँ पर बीएससी वन में जो आपने फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा था वो यहाँ यूज होगा। बेसिकली कहने को ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, बट जो सोल्यूशन में हेल्पफुल है वो बीएससी वन में जो आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, उन्हें यूज करेंगे पार्शियल को सॉल्व करने में, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर टू है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक, अब मान लेते हैं कि इनके सॉल्यूशंस ये आ जाते हैं कि लेट यू ब्रैकेट में एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू विद टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ टू। ये इनके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, अभी निकालने का मेथड सीखेंगे आप। फिर क्या होगा, स्टेप नंबर चार में द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज देन गिवन बाय फाई यू वी इक्वल टू जीरो वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। फाई ऐसे आप लगा देंगे उसके अंदर, वो आपसे नहीं पूछेंगे फाई की वैल्यू क्या है किस तरीके से, सिंपली राइटिंग का मेथड है। ठीक, दिस सॉल्यूशन आल्सो कैन बी रिटन एज वी इक्वल टू फाई यू और यू इज इक्वल टू फाई। तीन तरीके हैं, फाई यू वी जीरो लिख सकते हैं, वी इक्वल टू फाई यू लिख सकते हैं, यू इक्वल टू फाई वी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार लिखिए। पिछली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था शायद याद होगा, यहाँ पर इस टाइप का था, ये याद है ये आपको, ये हमने कहा था v इज द फंक्शन ऑफ u ले सकते हैं। लास्ट लेक्चर देखिए, वहां पर ही समझाया हुआ है मैंने आपको। तो यहाँ पर भी इस तरीके से राइटिंग की जा सकती है। ठीक, अब अगर वेरिएबल ज्यादा हो जाए तो कैसे करना चाहिए, ये बात रिमार्क में लिखी है। लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन प्रोसीजर एज डिस्क्राइब्ड अबव कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n वेरिएबल्स। अभी हम लोग थ्री वेरिएबल लेके चल रहे थे, n वेरिएबल ले लेंगे। ठीक, लेट x1 x2 xn बी n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड लेट p1 से डिनोट करेंगे। अब p क्यों नहीं हम लोग लेंगे, बल्कि p1 लेंगे। p1 का मतलब है del z by del x1, p2 का मतलब हो जाएगा del z by del x2 और pn का मतलब हो जाएगा del z by del x1। ये एक नोटेशन है आपके। तो और यहां अगर z देखे तो एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की दिखाई देगी, वेयर z इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, कंसीडर द जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, पीडीई का मतलब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पी वन पी वन प्लस पी टू पी टू, ये जो कैपिटल में आपको दिख रहे हैं, वेर ईच वन ऑफ कैपिटल पी वन पी टू पी एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन। तो आई थिंक समझ में आ रही होगी इक्वेशन, अप टू कैपिटल पी एन पी एन इज इक्वल टू आर तक जाएंगे आप, फॉर ईच आई इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड अप टू एन। राइट, तो इसका जो सोल्यूशन हम शॉर्ट में लिखना चाहें, u इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज इक्वल टू सी वन हो जाएगा आपका। राइट, ये निकल आएगा। और इसके बाद अगर एक्सिलरी इक्वेशन लेना चाहें हम, अगर एक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं तो b एनी इनडिपेंडेंट इंटीग्रल्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन, यानी इसके जो सोल्यूशन निकलेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन जो आपकी बनेगी इस केस में, डी एक्स वन अपॉन पी वन इक्वल टू डी एक्स टू अपॉन पी टू डॉट डॉट करते हुए डी एक्स एन अपॉन पी एन। और इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय फाई यू वन यू टू यू एन। जैसे अभी ऊपर हम लिख रहे थे, तो यहां पर जो सॉल्यूशन था वो फाई यू वी दो ही लिख रहे थे यहाँ, यू और वी, और इसमें हमें कितने लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर एन लिखने पड़ेंगे, यू वन यू टू अप टू यू एन। जनरली देयर राइजेस फोर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ बता रहे हैं कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वी शैल डिस्कस दीज इन डिटेल by the illustration of examples। ये आप examples के थ्रू हर टाइप की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप वन की प्रॉब्लम। टाइप वन में क्या है, इफ वन ऑफ द वेरिएबल इज आइदर एबसेंट और कैंसिल्स आउट फ्रॉम एनी टू फ्रैक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन एन इंटीग्रल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग the usual methods, the same procedure may be repeated by another set of two fractions of given equations। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये आपको तब समझ में आएंगी जब आप एग्जाम्पल करें। देखिए हम फिर से बता देंगे इन लाइनों को, लेकिन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको जैसे लिखा है कि सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो इक्वेशन है वो ये दी हुई है कि डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू साइन एक्स। यानी कि हम इक्वेशन को लिख सकते हैं पी पी प्लस सॉरी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स।
हम पीपी बोल रहे थे ना, वो तो एक्चुअली बोलते बोलते बोलने लगे हैं कि पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेकिन आपको जो गिवन है वो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो अगर यहाँ पर पी का मान देखा जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इन दिस प्रॉब्लम, तो वन आएगी, क्यू की वैल्यू भी वन आएगी, बात करें अगर हम आर की तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स। तो एक्सिलरी इक्वेशन जो आपने पढ़ी ऊपर स्टेप नंबर टू में, उसके मुताबिक डीएक्स अपॉन पी, तो सो लैग्रेंजियस एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन में डीएक्स अपॉन पी यानी वन डीवाई अपॉन वन डीजेड अपॉन साइन एक्स। ठीक, तो अब अगर इसमें देखिए तो पहला दो रेशियो हम आसानी से ले सकते हैं, पहले ये रेशियो से आसानी से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, डीएक्स और डीवाई। एक्चुअली यहाँ तीन है एलिमेंट जो है, डीएक्स है डीवाई डीजेड, तो आप दो दो करके करेंगे, डीएक्स डीवाई के साथ अगर यहाँ जेड आ जाता, सपोज करिए डीएक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डीवाई अपॉन जेड होता और यहाँ पर डी जेड अपॉन साइन एक्स हो जाता, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर क्या हम इन दोनों को ना ले पाते। ऐसा नहीं कि सॉल्वेबल नहीं है, आगे चल करके हो सकता है ना भी सॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल भी नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं सॉल्व हो जाएगी। ठीक, लेकिन इसके अप्रोच हमें दूसरी लगानी पड़ेगी। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये बहुत सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा क्योंकि वन वन है यहाँ पर, तो यही कह रहे हैं इसमें। आप फिर से देखिए टाइप वन में, इफ वन ऑफ द वेरिएबल इज आइदर एब्सेंट और कैंसिल आउट फ्रॉम एनी टू फ्रैक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या तो एब्सेंट हो जाए एक वेरिएबल और या फिर कैंसिल हो जाए। फिलहाल यहाँ तो दोनों एब्सेंट है, ने दोनों का मतलब है यहाँ पर ना तो वाई दिख रहा है ना जेड दिख रहा है, डिनोमिनेटर में वन वन साइन एक्स आ रहा है, वन वन साइन एक्स। ठीक, वाई और जेड कुछ भी नहीं है, होता तो कैंसिल हो जाता, तब हम टाइप वन लगाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप समझ जाएंगे कि टाइप वन कब लगेगा, और सबसे आसान है ये। देन एन इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब सोल्यूशन, देन एन इंटीग्रल कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द यूजुअल मेथड्स। यूजुअल मतलब बीएससी वन में जो पढ़े आपने, देखिए कौन कौन से वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एग्जैक्ट इक्वेशंस पढ़े हैं आपने। तो ये जो बीएससी वन के जितने मेथड्स पढ़े हैं वो यूजुअल मेथड्स कहलाते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। द सेम प्रोसीजर मे बी रिपीटेड विद अनदर सेट ऑफ टू फ्रैक्शंस, अनदर सेट, जैसे अभी हमने डीएक्स अपॉन वन डीवाई अपॉन वन को चूज कर लिया, अब पहला और तीसरा रेशियो या दूसरा तीसरा रेशियो जो भी आपको सुटेबल लगेगा वो लेंगे। सुटेबल का मतलब है कि इंटीग्रेबल हो जाए, हमारा मकसद है यहाँ पर इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेबिलिटी को चेक करना है, चाहे रफ में चेक करना पड़े हमें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो काटा देंगे फिर नया सिलेक्शन करेंगे, तो थोड़ा सा माथापच्ची करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक, और जब थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो अपने आप को समझ में आने लगेगा। ठीक, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, देखिए टेकिंग द फर्स्ट टू फ्रैक्शंस वी हैव डी अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स इज इक्वल टू डी, वेरी सिंपल, डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो हुआ, लेकिन एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आता है सी वन, सी वन आ जाएगा आपका। ठीक, अब फर्दर देखिए, फर्दर टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, फर्दर टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट ले लिया और थर्ड ले लिया, वैसे लेने को आप सेकंड और थर्ड, नहीं सेकंड नहीं ले सकते थे, नहीं नहीं देखिए सेकंड और थर्ड क्यों नहीं लिया, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं लिया इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए डी वाई अपॉन वन और डी जेड अपॉन साइन एक्स, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं लिया, अब इसमें जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्या कि यहां पर डी वाई है और ये है साइन एक्स, अब देखिए ये हुआ साइन एक्स और ये हुआ डी वाई इज इक्वल टू डी, कहां इंटीग्रेट हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि ये dy है और ये sin x है, तो यहां पर sin y होता तो इंटीग्रेशन हो जाता, तो हम लोग सेकंड और थर्ड को नहीं ले सकते इस केस में। ठीक, हमें क्या लेना चाहिए, अब ऐसा ले जिसमें कि dx हो तो sin x को मैनेज कर लेगा, तो फर्स्ट और लास्ट अगर ले लें तो उसमें वही दोनों वेरिएबल रहेंगे और दोनों वही एलिमेंट रहेंगे, यानी एक हमारा एब्सेंट होना चाहिए। ठीक, यानी y हमारा एब्सेंट हो जाएगा पूरा, तीनों रहेंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। उसके आगे नए नए तरीके हैं टाइप टू में, टाइप थ्री में, टाइप फोर में, लेकिन ये फर्स्ट है तो बहुत सिंपल और बहुत केयरफुली लेना है आपको। फर्दर टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन वी हैव dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन sin x, इट मेक्स इट sin x dx माइनस dz इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस गिव्स माइनस cos x, sin का इंटीग्रल जानते हैं आप लोग, माइनस cos x, dz है तो z बचेगा
और ये माइनस सी टू, चाहे माइनस सी टू कर लें या सी टू कर लें बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सी टू इसलिए कर लिया गया है कि लेफ्ट में दो माइनस मिल रहे हैं तो आप उसको काट देंगे, उससे कैंसिल कर देंगे तो प्लस का दिखने लगेगा, जनरली एक स्टैंडर्ड होता है प्लस का, ठीक। तो माइनस सी टू लेने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सी टू ले तब भी काम चल जाता। तो कॉस एक्स प्लस जेड इक्वल टू सी टू आ गया। अब आपके पास दो आ गए, एक इक्वेशन नंबर टू इसको कह दीजिए और इक्वेशन नंबर वन आपके पास ये वाली है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन और कॉस एक्स प्लस जेड इक्वल टू सी टू। तो फ्रॉम वन एंड टू द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, अभी क्या बताया गया था, इसी को यू कहेंगे। जो पहला वाला आपने निकाला है ये जो निकाला है ये यू होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन, और जो आपने ये दूसरा वाला निकाला है वो वी, वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जो सी टू है। तो ये वी हो गया, ये यू हो गया। वैसे यू वी भी इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे यू वी लिखे चाहे वी यू लिखे, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम वन एंड टू द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज फाइव एक्स माइनस वाई कॉमा जेड प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यही आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू में देखिए जो प्रॉब्लम दी हुई है आपको वो ये है कि y square p माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट जेड माइनस टू वाई। यहाँ p आप समझ रहे होंगे, p कितना हो जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल है, q जो है वो माइनस एक्स वाई हो जाएगा और r की वैल्यू x ब्रैकेट जेड माइनस टू वाई हो जाएगी, ठीक। एक्सिलरी इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वेशन नंबर वन में ला करके रख दिया, जैसे राइटिंग की हुई एग्जाम में, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं सॉल्व किए उसी तरीके से आप करेंगे। डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स ब्रैकेट जेड माइनस टू वाई आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट टू लेते हैं, सोचिए इसके बारे में पहले, ठीक है, फिर दूसरा रेशियो सोचा जाएगा। तो क्या कैंसिल हो रहा है कोई? हाँ, एक बात और भी है इसमें, देखिए जेड नहीं है फर्स्ट टू रेशियो में, काम चल जाएगा हमारा, यानी हमारा वेरिएबल सेपरेबल लीनियर कुछ भी लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली जो आपने पढ़ी ऑर्डिनरी वाली, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स को लेकर चले हैं, या ले सकते हैं जेड इज द फंक्शन ऑफ वाई भी ले सकते हैं, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स भी ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स की जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो सब dy by dx के फॉर्म की दिखाई देंगी आपकी। तो फिलहाल फर्स्ट रेशियो में dy by dx आ रहा है आपका, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए एक कैंसिल भी हो जाएगा भाई, और सिंपल कर देगा इसको, इट विल मेक dx upon y equal to dy upon minus x, ठीक। तो देखिए यहां पर उन्होंने लिया टेकिंग द फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, वो बन गया ना, ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये माइनस एक्स करके ये बना x dx plus y dy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, वेरिएबल सेपरेबल भी कह सकते हैं इसको, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो जब इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी वन, अब चाहे सी वन ले चाहे हाफ सी वन ले एक ही बात है, तो हाफ क्यों लिया, हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा, हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन। चलिए एक सोल्यूशन तो आपको आ गया जिसको आप यू कह रहे हैं, ठीक। अब ये देखना है कि दूसरा हम लोग कौन सा ले। अब फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पर हम लोग चल करके, जब यहां पर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये देखिए हम फिर से लिख रहे हैं इस चीज को। तो अब पहला तीसरा ले सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हैं या सेकंड एंड थर्ड ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड तो ले ही चुके हैं हम लोग। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे साथ, मतलब फर्स्ट और थर्ड लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, पहले हम प्रॉब्लम वाली बात करते हैं। तो डी वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस टू वाई, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एलिमेंट है dx और dz का, तो y नहीं होना चाहिए, ठीक है, y नहीं होना चाहिए। अब y ना हो तो ये बड़ा मुश्किल है, कहां से y हटा देंगे इसके अंदर, आप y स्क्वायर भी पड़ा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर z माइनस टू, तो ये सूट नहीं कर रहा हम लोगों को। तो कौन सा सूट करेगा फिर, अगर हम ये ले लेते हैं dy वाई अपॉन माइनस एक्स वाई, यानी दूसरा और तीसरा, और डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस टू वाई, लिख कर देखना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत है, सही भी हो सकता है स्टार्टिंग में सिलेक्शन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो गलत वाला छोड़ देंगे सही वाला फिर प्रोसीड कर देंगे हम लोग। अब ये जब लिया हमने, एक तो निकल गया कि ये नहीं लग पाया, इसमें अगर हम एक्स और एक्स कैंसिल कर देते हैं तो आई थिंक डी एक्स तो है नहीं हमारे पास, केवल डी वाई
और dz है, हम चाहते भी हैं कि y और z वेरिएबल हो, x ना हो, x कट भी गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे लिए सुटेबल है। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन dz अपॉन dy वाली फॉर्म, यानी जैसा मैंने यहाँ बताया था, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ राइट में बिलो, z इज द फंक्शन ऑफ y, है ना, z इज द फंक्शन ऑफ y टाइप, z और y का रिलेशन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने समझाई है, फर्दर टेकिंग, फर्दर से अब कंटिन्यू करेंगे, फर्दर टेकिंग द लास्ट टू फ्रैक्शन इन वन, लास्ट के दो लेंगे, जैसा भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस वाई, क्यों लेंगे, पूरा समझा दिए हैं आपको, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो डी जेड अपॉन डी, क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये आ जाएगा यहाँ पर। अगर वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो वैसे तो ये हो जाएगा कि माइनस डी वाई, राइट, एक तरीका है, वो तरीका ऐसा है कि उसको एग्जैक्ट मेथड कहते हैं, अगर इतना आप बढ़िया सोच पाएंगे तो करेंगे, अदरवाइज फिर हम आपको ये प्रोसीजर बताएंगे जो इसमें सॉल्व है। इसका एक तरीका, एक शॉर्टकट है, उसको ऐसे भी किया जा सकता है, देखिए माइनस वाई डी जेड इज इक्वल टू जेड डी वाई इक्वल टू, नहीं इक्वल नहीं है, माइनस है, माइनस टू वाई डी वाई, बेसिकली हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई का यहाँ इसका यहाँ, और हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इधर लिखना चाहें तो इसको हम टू वाई डी वाई को पॉजिटिव कर ले रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, और जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड हम यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक, ये हम एग्जैक्ट बना रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है ये मेथड, इसको हम दूसरी अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जेड, इसको क्या लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जेड, और इधर आपके पास है टू वाई डी वाई। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट किसी के रिस्पेक्ट में ना करिए, केवल इंटीग्रेट, तो डी हट जाएगा आपका, ठीक, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टू वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वाई जेड प्लस सी टू आ जाएगा, क्योंकि डी हट जाएगा इंटीग्रेशन पे, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू सी टू। अब ये देखिए क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पर, जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टू, यानी बात वही है, चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, एक ही चीज है, माइनस का फर्क है, वो कॉन्स्टेंट में मर्ज हो जाएगा। तो आपने एक नया मेथड सीखा जो हमने आपको अलग से सॉल्व करके दिखाया, और जो नोट्स में सॉल्व है इस समय जो पढ़ रहे हैं आप, वो देखिए क्या तरीका, ये जो मैंने किया बड़ा एक्सपीरियंस से आता है, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन की तब सीख पाएंगे, ठीक, क्योंकि हमने देखा और ऑब्जर्व कर लिया तुरंत, आई कैचिंग पकड़ लिया क्वेश्चन को कि ऐसे सॉल्व होगा, आप इतनी जल्दी इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, ठीक। तो आप फिर किस फॉर्म में जाएंगे वो जो सॉल्व है इसको डिस्कस करते हैं आपका, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है तो आपको लगा कि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगेगा इसके, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि वाई के साथ डीवाई आए, यानी कि y वाले फंक्शन के साथ dy आए और z वाले फंक्शन के साथ dz आए, जो कि यहाँ हो नहीं पा रहा, देखिए z के साथ आपका y आया और y के साथ जो है इधर आपका z आया, लेकिन लीनियर था इसलिए हम समझ गए थे और हमने एग्जैक्ट लगा दिया आपका दोनों को एक तरफा करके, क्योंकि ये इसी का प्रोडक्ट है, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये dy z हो जाएगा और z dy, which can be written like this, compact form में लिख सकते हैं जो हमने समझाया। अब अगर नहीं पॉसिबल है तो इसको फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्राई करिए या होमोजेनियस में ट्राई करिए, वैसे इसका एक मेथड और भी अवेलेबल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, विच इज कॉल्ड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजेनियस भी है, क्यों, जेड और माइनस टू वाई वन डिग्री के हैं और माइनस वाई नीचे वाला वो भी वन डिग्री का है, ठीक है। तो ये होमोजेनियस मेथड से भी हो सकता है, एग्जैक्ट से भी हो सकता है, और एक जो सॉल्व है उससे भी हो सकता है, तीन मेथड है हमारे पास, ठीक, लेकिन हम होमोजेनियस नहीं बताएंगे आपको, ठीक। फिलहाल आप इसमें देखिए जो इन्होंने सॉल्व किया है, इसको क्या किया, dz अपॉन dy रखा और y से किया डिवाइड, y से डिवाइड करने के बाद इसको इधर साइड में ले आए, तो dz अपॉन dy प्लस 1 अपॉन yz इक्वल टू 2। अभी आप कैसे जानेंगे, आपके मन में होगा, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है वो dy by dx प्लस py is equal to q होता है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लीनियर, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, ठीक, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर pdx, ठीक, p का मतलब है y का कोफिशिएंट, डिपेंडेंट जो है यहाँ पर z एज ए डिपेंडेंट है, ठीक, इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन y एज ए p की तरह बिहेव करेगा, और जो q की तरह बिहेव करेगा वो होगा
यहाँ पर टू हो जाएगा। इसका सोल्यूशन कितना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रल, राइट, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये होता है इसका सोल्यूशन। ये बीएससी वन में है, इनको रिवाइज करिए पहले आप, तब फ्रिक्वेंटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो अब चलिए इसका हम सॉल्व करने के लिए, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल पी, पी का मतलब वन अपॉन वाई डी एक्स इन ई की पावर लॉग वाई विच इज वाई। इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर तीन है आपकी, इसका सोल्यूशन होता है, हमने बताया आपको वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई का मतलब यहाँ डिपेंडेंट जेड लिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप वाई निकाल चुके हैं, होल का इंटीग्रल क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी है, क्यू की वैल्यू यहाँ टू है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो वाई आ गया, और डीएक्स मतलब इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ इंडिपेंडेंट क्या है वाई है, यानी कि डी वाई आ जाएगा प्लस सी टू, चाहे सी लीजिए चाहे सी वन लीजिए चाहे सी टू लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, सी वन ले चुके हैं तो सी टू ले लेंगे हम लोग। इसको इंटीग्रेट करिए तो इस वाले पार्ट को राइट का फर्स्ट, तो जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर, यानी आएगा वाई स्क्वायर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये दूसरा मेथड था, और जो हमने बताया था आपको यहाँ ये भी मेथड है। कुल मिलाकर के हमने सी वन यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन कैलकुलेट कर लिया, और जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टू कैलकुलेट कर लिया। अब जो दो नंबर में सोल्यूशन आपके पास ये वाला है, और जो ये चार नंबर में है, इनको आप इलिमिनेट करके सी वन सी टू को रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख सकते हैं। फ्रॉम टू एंड फोर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज ये हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई भी लिख इक्वल टू जीरो बाहर रहेगा ब्रैकेट के, ब्रैकेट यानी टाइपिंग मिस्टेक है, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक पूरा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सोचना है, किस तरह सिलेक्शन करना है, और किस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम आप लोगों को होमवर्क देंगे इसका, टाइप वन तो आज पढ़ लिया, टाइप टू टाइप थ्री होगा तो कल पढ़ाएंगे, थोड़ा तो प्रैक्टिस कर लें इसकी, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस भी आपका आ जाएगा। तो एक्सरसाइज सिक्स बी में क्वेश्चन नंबर वन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर वन जितने भी हैं वो सब टाइप वन के हैं, उसी तरीके से मैंने टू थ्री फोर के हर टाइप के एक एक सेक्शन बना दिया है इसमें, तो इसमें वन से लेकर के आई थिंक आपके पास फोर अप टू फाइव, फाइव क्वेश्चन तक है यहाँ पर, और सबके आंसर भी दिए हुए हैं। तो टाइप वन के पहले एग्जाम्पल्स लगाएंगे, पूरे राइटिंग करेंगे, चीजों को समझेंगे, और इसके बाद ये फाइव क्वेश्चंस लगाएंगे, और उससे पहले अगर टाइम मिलता है तो सबसे पहले बीएससी वन के जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और एग्जैक्ट, इन सब की स्टडी कर लेंगे आप, या पुराने जो वीडियोज हैं बीएससी वन के डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड उनको आप देख लीजिए, तो वहां से भी आपका रिविजन हो जाएगा। बस आज की क्लास में इतना ही, कल फिर टाइप टू की स्टडी करते हैं।